दोस्तों कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर मतलब वायुमंडल अते इसकी बढ़तर दोस्तों यह काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लीयर करने लिए। इस रिलेटड भी काफ़ी क्वेश्चन अपने को जी भी आप जॉब लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम वो एग्जाम चाहे PCS का लगा लो तुम या हूँ नायब तहसीलदार की पोस्टा जी उन्होंने लगा लो यह टॉपिक जोड़ा सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक मनिया जाता है। अज की वीडियो में तुम्हें वधिया तरीके फोटोज़ के थ्रू जो वायुमंडल का स्ट्रक्चर होंगे किस तरह का होंगे समझावगा जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों एटमोसफेयर की जी डेफिनेशन की गल करिए असं सारे जानते हैं कि धरती से जीवन की मौजूदगी लिए एक विलखण ग्रह है यह जो एटमोसफेयर अपनी धरती है तो इस विच हवा जीवन लिए जरूरी शर्त मनी जाती है तो हवा जी होंगी वह गैस पानी और बाष्प और धूड़ कणा के मिश्रण तो मिलकर बनती है तो यह धरती घेरती है तो सारे पासों तो घेरिया होया है इस जी हवा ने जिसे धरती सारे पासों तो घेरिया होया तो धरती के आले दुआले की इन हवावान ही जोड़ा वायुमंडल कहा जाता है ज एटमोसफेयर कहा जाता है। तो एग्जाम्पल आप जो इन्ना ध्यान से रखिए तो जे एक बाई चांस एग्जाम इसका जी डेफिनेशन पूछ लेंगे कि एटमोसफेयर तो मतलब क्या तो आप कहे गैसा पानी के वाष्प और धूड़ कणा के मिश्रण में जोड़ा कि एटमोसफेयर कहा जाता है। तो दोस्तों ये फोटो तुम देख रहे हो इस इन्होंने मैनशन किया हुआ है कि अपने जो वायुमंडल में है कि गैसेज ने कि जी इन कि मात्रा ने इन्हें गैसा की जिमें कि इतने आप ग्रीन जो एरिया किया हुआ इस फोटो में तो यह नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की टोटल मात्रा अपने वायुमंडल में 78% है ऑक्सीजन जो ब्लू आप कलर देख सकते हैं इस ऑक्सीजन की मात्रा जी 21% इस मनी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन वाटर ड्रॉप्स होंगे ने धूड़ कण तो थोड़ी मोटी होर गैसा होंगे टोटल यह सारी गैसा जी 1% जी पूरी एटमोसफेयर फैली हुई है तो यह गैसा का जो पूरा मिश्रण होंगे जोड़ा इसनों ही आप एटमोसफेयर के रूप में जानते हैं। दोस्तों हर कॉम्पीटेटिव एग्जाम यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अपने एटमोसफेयर नाइट्रोजन की मात्रा कि है जो पूछ सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कि है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ सकते हैं मेन यह तीन जी गैसा ने इन बारे ही एग्जाम पूछा जाता है जे अदर किसी गैस बारे पूछते हो तो आप 1% या 0.01% लैके आप उस अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि 1% काफ़ी घट परसेंटेज आ जाती है तो आप 0.01 कुछ इस तरह का भी आंसर दे सकते हैं। दोस्तों ये मेरी स्टडी रिलेटेड पहली वीडियो है तो करके थोड़ा कंफर्टेबल जहाँ फील हो रहा जे फिर भी तुम्हें समझाने की पूरी तरह कोशिश करा जो मैं समझ च आया जिनी मैं आपकी तैयारी की इस एग्जाम की हाँ उन्ना जरूर तुम्हें समझाने की कोशिश करा। ओके दोस्तों थोड़ा मोटीवेट करो मैनू भी तो मैं तुम्हें भी मोटीवेट करा तुम मैं मोटीवेट वीडियो में लाइक करके कर सकते हो चैनल में सबसक्राइब करके कर सकते हो तो अगे गल करिए सामने यह पूरा एटमोसफेयर का पूरा स्ट्रक्चर अपने को जिमें इतने आप चैक कर सकते हैं यह जी अपनी अर्थ है धरती जिते आप रहने तो यह जी इतों उस अर्थ के सरफेस तो लैके आप उपर जाने तो यह पहली परत होंगी है इसकी तो इस बारे डिस्कस करेंगे इस तो बाद यह दूजी परत होंगी है तो इतने पिक्चर भी आसानी समझाऊँ इस करके मैं पिक्चर डाउनलोड करके अपनी स्लाइड में लगा ली है तो यह थर्ड परत होंगी है जी लेयर कहते हैं इन्हों भी मतलब फर्स्ट लेयर यह सैकेंड लेयर ये थर्ड लेयर ये फोर्थ लेयर होगी ये होगी फिफ्थ लेयर। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन यह आ सकता है कि एटमोसफेयर में टोटल कितनी लेयर्स ने अपना आंसर होगा 5 लेयर्स। दोस्तों हम गल करते हैं इन्हां लेयर्स जी परत ने यह एटमोसफेयर दियां इन्हां दे नाम की ने इन्हां दी की डिटेलिंग है इन्हां परत के अंदर की कुछ आउंदा पूरी डिटेल विच आपां गल करते हैं तुसीं कॉपी पेन लेके इसनूं राइट डाउन करते रहो क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ आ जाती है। दोस्तों जो आप धरती तो उपर वल जाने तो लेयर स्टार्ट हो जाती है जी परत होंगी ने यह सारी स्टार्ट होंगी जाए तो उपर उपर जाने पहली परत की गल करिए यह टोरोस्पीयर परत के नाम जानी जाती है और दूजी जी है यह स्टाटोस्पीयर परत के नाम जानी जाती है और तीजी की गल करिए मैसोस्फेयर होंगी है और चौथी जी है थर्मोस्फेयर होंगी है और फिफ्थ की गल करिए एग्जोस्फेयर होंगी है। हुण दोस्तों इस फोटो में तुम ध्यान देखो जिवें यह धरती है आप इतने रह रहे हैं तो हूँ आप उपर इतने जावे तो इतने तक जी ये है टोरोस्पेयर परत इस तो उपर जावे जो तो यह आ गई स्टाटोस्पेयर इतने तक आ गई तो इस तो बाद आ गई मैसोस्पेयर परत। दोस्तों जे कोई दिक्कत आँगी जो सवाल है तो हमने कमेंट कर दो मैं थोड़ी रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करा तो इस तो बाद फोर्थ परत की गल करिए थर्मोमीटर परत आ गई
तो इस तो बाद जो एग्जोस्फेयर परत होंगी है, इस तो बाद जो अपना गलैक्सी स्टार्ट हो जाती है, ब्रह्मांड स्टार्ट हो जाता जिन्होंने आप कहने। ओके दोस्तों हूँ गल करते हैं कल कल परत बारे, पूरी जानकारी तुम्हें दिना मैं कि टोरोस्फेयर में की होंगे, स्टाटोस्फेयर में की होंगे, मैजोस्फेयर में की होंगे, थर्मोस्फेयर में की होंगे, तो एक्सोस्फेयर में की होंगे। दोस्तों सब तो पहले आप गल कर लेना टोरोस्फेयर परत आखिर होंगी की है, इस विच की कुछ पाया जाता है। तो जो आप धरती तो 18 किलोमीटर की उचाई तो उपर वल जाने तो इस विचकार का जो एरिया होंगे वायुमंडल का, इस एरिए ट्रोपोस्फेयर परत कहा जाता है। हूँ इतने पिक्चर में तुम देख सकते हो यह अर्थ आ गई अपने नीचे, ओके दोस्तों यह अर्थ आ गई। तो हूँ आप उपर जावे तो 18 किलोमीटर तक जावे उपर, आप 18 किलोमीटर तक जी ये परत टोरोस्फेयर रहेगी 18 किलोमीटर तक। ओके दोस्तों काफ़ी नोट करने वाली गल है। इस तो बाद गल करिए टोरोस्फेयर परत में संवाहन मंडल भी कहा जाता है, मतलब जोड़ा इस परत के अंडर अंडर आती है, जोड़ा एरिया इस नीचे नीचे आ गया, इस नीचे नीचे जोड़ा एरिया आ गया इस इमेज देख सकते हो तुम, तो इसमें आप संवाहन मंडल भी कहने। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोरोस्फेयर परत में किड़े दूजे नाम ना जाना जा सकता है, यह संवाहन मंडल भी इसको कहा जाता है। इस तो बाद गल करिए इस परत में वायुमंडली घटनावां होंदियां ने, जिवें मीह पैना, गर्मी होना, मतलब धुप होनी, छाणी, यह सारी जिहड़ा परत इस ट्रोस्फेयर परत में होंदी है। यह घटना इस तो उपर कुछ नहीं है, बस जाए इतने टैंपरेचर ज़्यादा गिरता रहिंदा है, क्योंकि यह परत ही जिहड़ी होंदी है ट्रोस्फेयर परत के अंदर अंदर ही जिहड़ी अपने जीवन योग जिहड़ी गैसेज होंदी ने यह फुल मात्रा में आपां नूं मिल जांदियां ने। इस तो इलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे है, जो दोस्तों आप पढ़िया 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक ग्रीन हाउस प्रभाव बारे पढ़िया आप, तो वह जोड़ा ही बनता है ग्रीन हाउस प्रभाव, वह टोरोस्फेयर परत में ही बनता है, इस उपर नहीं जाता, क्योंकि गैसेज इकट्ठी हो जाती है तो रिफ्लैक्टिंग होंगी जी गैसेज, वह मतलब कि एक दबाव बना लेंगे, उन्होंने ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो यह इस ग्रीन हाउस प्रभाव बारे आप नैक्सट वीडियो में चंगी तरह पूरी क्लीयर गल करांगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है किवें, किवें रिफ्लैक्टिंग होंगी इसकी गैसेज। इस तो बाद गल करते अपने एटमोसफेयर की सैकेंड परत है जी, स्टाटोस्फेयर होंगी है दोस्तों, तो जो आप ट्रोपोस्फेयर परत जी वायुमंडल की फस्ट परत है जी, जो कंप्लीट खत्म हो जाती है वो, तो उस तो बाद नाल दी नाल स्टार्ट होंगी जी स्टाटोस्फेयर परत स्टार्ट हो जाती है। स्टाटोस्फेयर परत की उचाई की गल करिए, जो आप ट्रोपोस्फेयर जी फस्ट परत है वह खत्म हो जाती है, उस तो स्टार्ट होंगी है, इतने आप इमेज में चैक कर सकते हैं। तो जिमें ही इतों लैके इतों तक आप 50 किलोमीटर तक उपर जाने तो यह परत जी सारी इन्ना एरिया जोड़ा है तय करती है, इसमें स्टाटोस्फेयर परत कहा जाता है। तो इसकी कुल जी हाइट होंगी है 50 किलोमीटर हाइट है। दोस्तों नोट डाउन करते रहो। तो इस तो बाद गल करिए इसकी, जिमें कि हूँ यह आप चैक कर सकते 50 किलोमीटर की इसकी जी पूरा सरफेस है, जो आप इस 10 किलोमीटर उपर जावे, यह 10 किलोमीटर मान लो हो गया अपना, तो इस 10 किलोमीटर के अंडर अंडर, इस 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जहाज उड़ते हैं हवाई जहाज, क्योंकि इतों का जो वातावरण होंगे ये मतलब कि सैटल सूटेबल वातावरण होंगे दोस्तों, क्योंकि जहाज जो होंगे हवा जो उड़ता है हवा में तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कोई रिफ्लैक्टिंग करने वाली गैसेज इतने नहीं होंगी, ये बिल्कुल खाली एरिया होंगे, ये खाली वायुमंडल एक तरह का खाली जहा हों, तो इस कोई जो आप देखा होगा फिल्मों में जो हवा हवाई जहाज में उड़ते हैं आप, बिल्कुल ऐ नहीं पता लगता हवाई जहाज उड़ा जाता है या खड़ा है, तो करके ये जिहड़ा 10 किलोमीटर का एरिया होंदा है स्टाटोस्फेयर परत विच, इसनों जिहड़ा है जहाजा के उड़न वास्ते अनुकूलित मनिया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले साल मैं SSC क्लर्क का एग्जाम दिता सी, उस विच मैनू देखने को मिले कि जिहड़ी कि हवाई जहाज के उड़न लई सब तो बेस्ट जिहड़ी परत कि होंदी है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया सी, तां याद रखना होगा अपन कि स्टाटोस्फेयर जिहड़ी परत है हवाई जहाजा वास्ते लाहेवंद होंदी है, सब तो बेस्ट जिहड़ी परत होंदी है उड़न वास्ते। तो जिमें ही आप हवाई जहाज की परत जी 10 किलोमीटर की होंगी है, टोटल यह 50 किलोमीटर की स्टाटोस्फेयर, तो हवाई जहाज के उड्डन स्टाटोस्फेयर 10 किलोमीटर की परत यूज़ करते हैं। इस दोस्तों जिमें ही हवाई जहाज के उड्डन की परत खत्म होंगी है 10 किलोमीटर तक की, तो उस तो बाद जेडे कि यही ओजोन परत स्टार्ट हो जाती है, जो जिन्होंने ओजोन मंडल भी आप कह दें। दोस्तों यह सारा टॉपिक वैसे तुम्हें समझाने वास्ते मेन मेन गल्लां समझाई जा रही है, इससे रिलेटड कल्ले इस एटमोसफेयर के टॉपिक रिलेटड कम तो कम 200 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं, तो उसकी PDF फाइल भी तुम्हें
व्हाट्सएप तो उपर मैं सेंड कर देंगे, क्योंकि सारे मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चके हुए जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एटमोसफेयर की थर्ड परत की गल करिए मेजोस्फेयर है दोस्तों, जिमें ही स्टैटोसफेयर जी वायुमंडल की सैकेंड परत है वह खत्म हो जाती है तो मेजोस्फेयर परत स्टार्ट हो जाती है। इतने आप चेक कर सकते हैं पिक्चर में सैकेंड परत तो जिमें आप उपर जाने उपर वल 80 किलोमीटर तक आप उपर जाने यह जो 80 किलोमीटर का दायरा होंगे है दोस्तों इसको मेजोस्फेयर परत कहा जाता है दोस्तों। तो यह परत उल्का पिंड होंगे जो जलते हुए उल्का पिंड आते टीवी देखा होगा वह अग लगी हुई होंगी उन्होंने बड़े बड़े पत्थर होंगे दोस्तों वह उस परत उन्होंने जोड़े ये परत है धरती तक पहुँचने तो बचाते हैं जे वो धरती तक पहुँच जाते हैं तो काफ़ी विनाश कर सकते तो भी यह पता है। तो जिमें ही जो गलैक्सी उल्का पिंड आते हैं तो वह उड़ते उड़ते धरती वाल आ रहे होंगे ने बट इस परत में आते ही वह खत्म हो जाते हैं वह स्लो हो जाते जा बिच ही घूमते रहते हैं। तो इस तो बाद गल करिए मेजोस्फेयर जी वायुमंडल की सब तो ठंडी परत मनी जाती है। क्वेश्चन यह आ सकता है दोस्तों कि एटमोसफेयर की सब तो कोल्डेस्ट जी लेयर कि है तो आपको याद रखना होगा मेजोस्फेयर जी सब तो कोल्डेस्ट जी लेयर मनिया जाता है इसमें तो इसका तापमान -100 डिग्री तो भी घट हों। दोस्तों हम गल करते हैं एटमोसफेयर की फोर्थ जी परत होंगी वह कि थर्मोस्फेयर परत होंगी है। जिमें ही आप मेजोस्फेयर परत के खत्म होने तो बाद उपर 700 किलोमीटर तक जाने इतने आप चेक कर सकते 700 किलोमीटर तक जाने तो यह परत इन्ना एरिया घेरती है जी थर्मोस्फेयर परत है जी फोर्थ परत आप एटमोसफेयर की इसमें कह सकते हैं दोस्तों। यह सारा जोड़ा एरिया 700 किलोमीटर का एरिया इस विच यह थर्मोस्फेयर परत पूरा दायरा इसने घेरिया होंदा है ते वायुमंडल दी सब तो गर्म परत इसनु मन्या जांदा है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि होटेस्ट जिहड़ी लेयर एटमोसफेयर दी ओह किहड़ी है ते इस परत विच ही जिहड़े सैटेलाइट हुंदे ने आपां देखिया होवेगा कुछ सैटेलाइट वगैरह जो की कहिंदे उहनू पंजाबी विच सॉरी मैनूं समझ नहीं आ रहा बट सैटेलाइट तो आई होप तुसीं समझ गए होंगे तो इस एरिए इस परत में ही छड़े जाते हैं ताकि इतने सूटेबल रह सकन तो अपनी धरती का जो मुआयना करना होंगे सैटेलाइट ने वो आसानी कर सकन। गल करते लास्ट लेयर एंड फिफ्थ लेयर जी एक्सोस्फीयर वायुमंडल जी एक्सोस्फीयर परत है जिमें ही थर्मोस्फीयर परत खत्म होती है उस ही जी लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो यह 10,000 किलोमीटर तक जो आप उपर जाने आप मीनस में इस पिक्चर में चेक कर सकते हैं जिमें इस तो उपर जाने 10,000 किलोमीटर तक इसका दायरा है पूरा दायरा इसने घेरिया होंगे 10 किलोमीटर तक का। तो इस बाद गल करिए इस विच हीलियम हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी होर गैसेज मौजूद होंदिया ने जी थोड़ी खतरनाक गैसेज होंदिया ने इस एरिए रहिंदिया ने। और दोस्तों ओरा बोरियल्स एंड ओरा आस्ट्रेलियंस यह तुसी नाम जे सुनया तो ठीक है जे नहीं सुनया तो यूट्यूब सर्च कर लियो ये अगर होंदा की है दोस्तों। यह लाइट्स होंदिया ने जिहड़े कि इत्थे रिफ्लैक्शन की वजह इस परत विच जिहड़ा एक्सोस्फीयर परत विच रिफ्लैक्शन होंगे एक तो धरती से पिंक या ब्लू कलर की लाइटा डिग दी ने दोस्तों। यह साउदर्न लाइट के नाम नाल जाने चाहिए एक बार जे थोड़े कोल टाइम है तो यूट्यूब एक बार चैक कर लो अगर यह लाइट्स होंदिया है तो देखने वो काफ़ी खूबसूरत लगदियां ने दोस्तों। तो यह जी साउदर्न लाइट्स होंदिया ने इस परत करके ही धरती से बन दिया ने। इस परत विच भी सैटेलाइट रिलीज किए जाते हैं दोस्त मेन तो मतलब कि इन दोनों परतों में जी थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर दोनों में सैटेलाइट किए जाते हैं बट ज़्यादातर जोड़े सैटेलाइट होंगे ने यह एक्सोस्फेयर किए जाते हैं बट छोटे मोटे जो सैटेलाइट होंगे कुछ सैटेलाइट जी थर्मोस्फेयर भी फिक्स कर दिए जाते हैं बट अपन क्वेश्चन का आंसर की देना जो क्वेश्चन अपन पूछा जाता है कि सैटेलाइट कि परत सैट कर सकते हैं तो एक्सोस्फेयर सब तो बेस्ट क्वेश्चन का आंसर होगा तो आप क्लिक भी करना है एक्सोस्फेयर पर ही क्लिक करना है। तो थोड़ी जी कोशिश ही तुम्हें समझाने एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर की होंगे आई होप तुम्हें थोड़ा जहा इंटरस्टिंग भी लगे होगा तो थोड़ा जहा समझ भी आएगा बट यह कंप्लीट क्लास नहीं थी दोस्तों कंप्लीट मैं जस्ट इसके क्वेश्चन बनाए हुए हैं क्योंकि मैं इन्ना क्या समझा सी ते इन्ना क्या तुम्हें समझाता इस बट इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 250 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। तो अगली क्लास में आप ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन मंडल बारे गल करेंगे तो जे तुम जे क्वेश्चन ने जोड़े मैं इस टॉपिक रिलेटड जो एटमोसफेयर का टॉपिक है इस रिलेटड क्वेश्चन की PDF फाइल बनाई हुई है जो तुम बॉय करना चाहते हो जो खरीदना चाहते हो तो जस्ट 50 रुपी कंप्लीट जो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आदि जी PDF फाइल तुम्हें वट्सअप उपर मिल जाएगी। तो वीडियो में अपना वट्सअप नंबर कमेंट कर दो मैं तुम्हें वो PDF फाइल डाउनलोड कर देंगे। दोस्तों इस PDF फाइल में सिर्फ इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन जोड़े कि एग्जाम आ सकते हैं उही मैं सारे क्लीयर किए हुए हैं आई होप तो कुछ हेल्प मिलेगी
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਬਟ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ PCS ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਓ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਈ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।